तो वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और बहुत सारे टेक्स्ट हैं, मुझे इसमें से टेक्स्ट को रिमूव करना है। लेकिन इसमें अगर हमारे टेक्स्ट कई सारा है, कई सारे जगहों पे नंबर्स भी है, सारे नंबर्स को रखना है, सारे टेक्स्ट को रिमूव करके मुझे यहाँ पे सिर्फ नंबर 1 2 3 2 1 2 इस तरह से आना चाहिए। तो इसमें एक्सेल में इसके लिए कोई पोजिशन, कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो चलिए हम वीवीए के जरिए खुद के फॉर्मूले बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए इस पे हम आपको बताता हूँ। मैंने मॉड्यूल्स में एक इंसर्ट किया नया मॉड्यूल्स, यहाँ पे फंक्शंस, फंक्शंस में हमने बोल दिया एक्सटीआर एनयूएम नंबर, स्ट्रिंग नंबर एंड एज ए स्ट्रिंग, मतलब कि क्या है, एन जो है मतलब कि जो इनपुट होगा स्ट्रिंग होगा, मतलब कि मैं यहाँ पे में ई एक्स टी आर एक्सट्रैक्ट नंबर नाम का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और अपना ए वन को सिलेक्ट कर लूंगा। तो जो ए वन है हमारा, वो ए वन किस पे चला जाएगा, एन के ऊपर चला जाएगा। अब इस एन के ऊपर जितने भी नंबर है सारे नंबर को रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे डिम आर एज ए स्ट्रिंग ले लिया हमने और आर इक्वल टू एन कर देता हूँ, कैलकुलेशन है फोर आर इक्वल टू चले। अब कैसे इसका यूज करेंगे, तो चलिए एक बार हम एस सी आर एस सी फॉर्मूले को देखते हैं। एस सी फॉर्मूले में एक स्काई वैल्यू का लिस्ट है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका क्या नंबर, देखिए कंप्यूटर में नंबर कितने तरह का डेटा होता है, ये होता है डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल एंड करेक्टर, तीन तरह चार तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। ध्यान से देखिए, डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल एंड करेक्टर। तो यहाँ पे सबका कोड दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर वह जीरो आएगा डेसिमल में तो इस तरह का नंबर आएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक्सेल में सी एच आर कैर में जीरो डाल देता हूँ, जीरो एक्सेप्ट नहीं करता इसमें, तरह का वैल्यू आएगा। अगर मैं टू कर देता हूँ तो इस तरह का वैल्यू आएगा, वन करता हूँ तो ये आएगा। तो इस तरह का जो है आता है इसमें, ये अपडेटेड है। तो इसमें हमने देखा है कि यहाँ हमारा जो करेक्टर है वो करेक्टर स्टार्ट है हमारा 57 तक, हमारा नंबर है 57 के बाद जितने भी वो करेक्टर है कहाँ तक, 127 तक, दिख रहा है ना सर। जैसे यहाँ पे देखिए ना, अगर 65 है मतलब कि मैं अगर कैर फॉर्मूले के अंदर में 65 डालूँ तो रिटर्न ए आता है, आता है। तो यहाँ पे 4i हम यहाँ पे कितना था, फिफ्टी एट टू 127 करता हूँ मैं, 58 to 127, और हम यहाँ पे लिखते हैं आर इक्वल टू रिप्लेस। रिप्लेस किस में करना है, आर में, क्या करना है, तो सी एच आर इसके अंदर में हमने आई दे दिया, किससे करना है, तो ब्लैंक से मतलब कि नथिंग से, मतलब कि डिलीट करना है, नेक्स्ट आई। तो क्या हुआ, उसके अंदर जितने भी करेक्टर होगा वन बाय वन सारे करेक्टर होगा तो रिप्लेस करेगा, नहीं होगा तो नहीं रिप्लेस करेगा, तो सारे करेक्टर रिप्लेस हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ नंबर। तो यहां हम ई एक्स टी अंडर स्कोर एन यू एम इक्वल टू हम कर देते हैं आर। अब यहां पे मैं फॉर्मूला देता हूं, देखिए नंबर आया, बट जो नंबर आया है वो आया है टेक्स्ट फॉर्मेट में, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा आर है इसको हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया है, इसलिए ये नंबर में आया। तो फॉर्मूला का आप रिटर्न टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कि जो ईएक्सटी जो नंबर है उसका टाइप क्या है, यहां साइड में लिख सकते हैं कि एज ए लॉन्ग या डेसिमल। इससे क्या होगा कि जैसे डबल क्लिक करके एंटर मारेगा तो देखिए नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये कोड थी, ये फॉर्मूला की कोड थी।
कि आप किसी भी सेल में अगर टेक्स्ट और नंबर एक साथ लिखा हुआ है तो उसको आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर में, नंबर। कोई डाउट आप लोगों को इसमें? सर नंबर तो है, लेकिन अगर स्पेशल कैरेक्टर हो उनको निकालना हो। आप इसमें लिस्ट में देख लीजिए ना अपने हिसाब से, स्पेशल करेक्टर भी इंक्लूड है ना इसमें, देखिए ये स्पेशल करेक्टर ही है ना, देखा ना, जी तो ये भी निकालना है जो ऊपर दिख रहा है। तो फिर आपको जो है यहां भी क्या करना होगा, हैज करना पड़ेगा। और यहां से 32 33 से स्टार्ट करना 127 तक, और उसमें आपको 0 से लेके 9 मतलब कि 48 से लेके 57 तक का स्किप करना हो, ओके ठीक है? ठीक है। तो वहां पे आपने जो नंबर लिखे थे वो नंबर स्किप कर रहा है, जो आपने नंबर निकाला है। नहीं हमने नहीं लिखा, हमने ऐसा नहीं कुछ किया, हमने तो 58 से 127 कर दिया। यहाँ पे कर क्या रहा है, ओके तो ये सुनिए बता, सुनिए एक सिंपल सी बात, ये जो है 158 से 127 क्या है, इसके स्काई वैल्यू है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे कैर के अंदर में 59 लिखेंगे तो रिटर्न आएगा। तो ये क्या कर रहा है कि वन बाय वन क्या कर रहा है कि हर एक नंबर को रिप्लेस कर रहा है, हर एक करेक्टर को, ये यहाँ पे 60 फिर यहाँ पे 70 इस तरह से, ओके और बाकी जो बच जाता है वो उसका नंबर होगा, नंबर हो। ओके नंबर जो है 58 से नीचे है टाइम टेबल सर पे। ओके ओके।